अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू अनदर व्लॉग। आज है ईद का दूसरा दिन और हमारा ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है अभी शाम में, क्योंकि खाला भी आई हैं, वो मामू लोग भी आए हैं, कज़न्स वगैरह भी आई थी। आपको ही ले रहे हैं पढ़ने ही नहीं दिया ना इसको हमको, जो पढ़ेगी लिखेगी तो पता चलेगा ना वो जाएगा। आप आगे का सोचो बेटा, मैं सही बता रहा हूँ। मैं विश आप ही अभी नहीं देंगी, अगले साल देंगी। हम हाँ बोलो, कंजूस हूँ मैं, आई एम प्राउड टू बी अ कंजूसियन। मुझे प्राउड है अपने कंजूस होने पर। हाँ, और ये वो है जो अपना इंस्टाग्राम चलाते हैं। और यहाँ मैं अब अपने रूम में आ गई हूँ। नीचे तो जो है इमरान खान और जो है नवाज शरीफ पे काफी बहस चल रही थी। मैंने सोचा ऊपर आके अपनी ईदी जरा गिन ली जाए कि कितनी सारी ईदी जमा हो गई है। कल भी काफ़ी सारी ईदी जमा हुई है, आज भी दी। हाँ मामू ने भी दे दी, ये बताने वाली नहीं है कितनी दी है। आपकी अम्मी के पास ईदी है, मेरी कज़न मुझसे पूछे मामू ने कितनी ईदी दी है। खैर बहुत अच्छी ईदी दी है। अब कल है हमारा ईद का तीसरा दिन, कल होगी नानी की दावत, तो कल भी माशाल्लाह से काफ़ी ईदी जमा होगी। जितनी इतनी ईदी जमा हो जाएगी कि मुझे पूरे साल सैलरी की टेंशन नहीं होगी। सही। अब यहाँ पर जो है एक और ईदी का सेशन स्टार्ट हो गया है। जो खाला हैदराबाद से आई हैं वो सबको ईदी दे रही हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के पास कितनी ईदी जमा होती है, और मैं भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी वीडियो के एंड में कि मेरे पास टोटल कितनी ईदी जमा हुई है इस साल। यहाँ पे जो है अब खाना लग चुका है। खाने में जो है पुलाव बना था, चिकन की कढ़ाई थी और फूड ट्राइफल था। तो खाना वाना खाने के बाद फिर सब बैठ गए थे, हम लोगों को बातें वातें की। अस्सलाम वालेकुम, इट्स द थर्ड डे ऑफ ईद और आज जो है नानी के घर दावत होती है। बहुत शोर हो रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं नानी के घर दावत में। मैं वहाँ पे आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ अपना। और ये मेरा ड्रेस है ईद का सेकंड डे का, ये मैंने बहुत पहले लेके रखा हुआ था और सिलवाया मैंने इस ईद पर है ये ड्रेस। अभी के खाना वाना लग चुका है, खाना वाना से हम लोग ये फारिग हो चुके थे। और ये जो है मेरा पर्स है जो मुझे गिफ्ट किया था मेरी सिस्टर ने, बहुत ही अच्छा क्लासेस से ये पर्स लगा था। तफाक से मेरे ड्रेस के साथ ये मैच भी हो गया था। फिर जो है दोबारा से नानी के घर जो ईदी का सेशन स्टार्ट होता है, खूब इंजॉय करते हैं, खूब मज़ा आता है। जो कज़न्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैरिड कज़न्स होते हैं वो तमाम छोटे छोटे बच्चों को, तमाम जो है अनमैरिड लोगों को पकड़ते हैं और उनसे अपने अपने बच्चों को जो ईदी दिलवाते हैं। तो इस दफ़ा मेरे भाई ने भी यही किया। यहाँ जो नूरा की ईदी कलेक्ट की जा रही है। शर्म करो बच्चे के नाम पर रात में जो है हम सब पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे, हमने पिज़्ज़ा मंगवाया थे, होप इन्जॉय किया था, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। तो होप कि आपको ये आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।